वेलकम टू माई चैनल दीज ब्यूटी हैक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, देन एक बेल आइकन आएगी वो भी प्रेस करना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले। मैंने नया चैनल भी बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक कमेंट में मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में ये वीडियो ख़त्म होगा वहाँ मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपने सिंपल कपड़ों को कलरफुल बना सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई कपड़े नहीं पसंद हैं तो उसे आप डिफरेंट लुक दे सकते हैं, या फिर कोई पुराने कपड़े हो गए हैं उन्हें थोड़ा लुक डिफरेंट करके नया बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये फैब्रिक पेंट जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं। ये 80 रुपीज़ में मुझे मिले हैं और इसमें मुझे 6 कलर मिले हैं। और स्टैम्प के लिए मैं लेने वाली हूँ आलू, जिससे काफ़ी अच्छे से प्रिंटिंग हो जाती है, या फिर आपके घर में कुछ भी ऐसा हो जिससे आप अच्छे से शेप बना सकते हैं वो ले सकते हैं, जैसे की चेन ले सकते हैं, कुकी कटर ले सकते हैं, कोई भी आइटम जो आपके पास हो जिससे अच्छे से शेप बन सकती है वो आप ले सकते हैं, या फिर आप मार्केट से स्टैम्प भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप खुद ही अच्छी प्रिंटिंग करना जानते हैं, ड्राइंग आपकी अच्छी है, या फिर आप डिज़ाइन अच्छा बनाना जानते हैं तो आपको कोई स्टैम्प की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये कुकी कटर आलू में इस तरह लगाया है और इसके बाद मैं नाइफ से जो साइड वाला एरिया है वो कट कर दूँगी ताकि ये जो कटर है वो ऊपर रहे और बाकी साइड सारी नीचे हो जाए ताकि ये स्टैम्प की तरह काम करे। तो ये जो हार्ट है वो ऊपर है और बाकी सब मैंने साइड से कट कर दिया है। इसके बाद मैंने रेड कलर लिया है और इसके बाद आप ब्रश से या कैसे भी इस आलू पर ये कलर लगाएं और ये प्रिंट कर दें। और जब भी आप प्रिंट करें तो कपड़े के नीचे कुछ पेपर या कार्डबोर्ड या कुछ भी रख दें ताकि दोनों तरफ कलर ना लगे। और जब आप ये प्रिंट कर लेंगे इसके बाद आपको ये 24 घंटे के लिए अपने कपड़े को ड्राई होने के लिए रखना है। वैसे तो ये 1-2 मिनट में ही सूख जाता है, पर 24 घंटे के लिए आप पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद आपको इस पर प्रेस करना है। तो मेरे आलू पे साइड में थोड़ा सा कलर लग गया था उसके कारण आप देख सकते हैं हार्ट के नीचे थोड़ा सा कलर लगा हुआ है। तो ये मैं डेमो के लिए बना रही हूँ, कुछ ही टाइम में मैं अच्छे से प्रिंटिंग करने वाली हूँ, वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो साइड में जो आलू कलर दे रहा है मैं उसको थोड़ा सा कट कर देती हूँ ताकि ये कलर हट जाए। तो इस तरह आप किसी भी कपड़े पर प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक टॉप लिया है और जो मैंने की चेन लिया है उससे मैं इस पर प्रिंट करने वाली हूँ डी। तो इससे ये कुछ हल्का सा प्रिंट हुआ है पर फिर भी अच्छा है, आपको एक अच्छी शेप मिल जाती है। इसके बाद आप ब्रश से कलर कर सकते हो। तो मैं एक बार और ट्राई करती हूँ ये थोड़ा डार्क हो जाए, इसके बाद फिर मैं ब्रश लूँगी। तो अब मैं इसे ब्रश से सही कर दूँगी और ये काफ़ी प्यारा सा डी इस पर प्रिंट हुआ है। तो इसी तरह आप भी जो भी चाहें वो अपने कपड़ों पे प्रिंट कर सकते हैं, साड़ी पर, सूट पर, या किसी भी सिंपल कपड़े पे, या फिर किसी भी कपड़े पे आप अपनी मर्ज़ी से अच्छा अच्छा प्रिंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।